नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं फिर दोबारा आपके लिए लेकर एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं एक शानदार प्रोजेक्ट जो गौर का है, ग्रेटर नोएडा में गौर अतुल्य। तो इस प्रोजेक्ट को बताने से पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दूं। ये गौर अतुल्यम जो प्रोजेक्ट है ये कॉर्नर प्लॉट पर है और बराबर में एक बहुत ही चौड़ी ग्रीन बेल्ट है। 130 मीटर रोड के ऊपर बना हुआ है और ये प्रोजेक्ट लगभग 6 से 7 किलोमीटर परिचौक से इसकी दूरी है। और मेट्रो स्टेशन जो नज़दीक से मेट्रो स्टेशन है वहाँ से भी ये प्रोजेक्ट करीब 3 किलोमीटर है। तो इसका सबसे बड़ा जो लोकेशन एडवांटेज है वो यही है कि ये एक 130 मीटर वाइड रोड पे है और मेट्रो कनेक्टिविटी है ग्रेटर नोएडा में, तो ये खास बात है। और इस वीडियो के अंदर आज हम आपको एक फ्लैट की विज़िट कराएंगे, सेंट्रल एरिया की विज़िट कराएंगे और सेंट्रल पार्क की विज़िट कराएंगे, लॉबी है, स्विमिंग पूल है और बहुत सारी जानकारी देंगे आपको फाइनेंस से रिलेटेड, रीसेल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में, क्योंकि ये वीडियो हमने काफ़ी जानकारी एकत्रित करके फिर आपके लिए बनाया है। और इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में भी देखेंगे नज़दीक से और एक सोसाइटी का विज़िट भी करेंगे। तो ये चलते हैं देखने गौर अतुल्यम का, आप देखते रहिए हमारे साथ। अभी हम सेंट्रल पार्क में घूम रहे हैं, साथ के साथ ही मैं आपको बाकी की जानकारी भी देता रहूँगा। साथ के साथ हम देखते रहेंगे अपना जो इसकी विज़िट है। तो सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं, तो यहाँ इसमें गौर अतुल्यम में जो सबसे ज़्यादा साइज़ है वो है 2 BHK का। तो इसमें 2 BHK के दो साइज़ हैं, एक हमारा 955 स्क्वायर फीट है और एक 1040 स्क्वायर फीट है। तीन टावर हैं EFG जो 955 स्क्वायर फीट के हैं और तीन टावर BCD 1040 स्क्वायर फीट के हैं। ये आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल, बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल है और ये सेंट्रल पार्क में है। तो दोनों तरफ के लगभग सारे टावर्स के जो सेंट्रल पार्क फेसिंग है वहाँ से ये खूबसूरत दृश्य ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद इसमें 3 BHK हैं, दो साइज़ के 3 BHK हैं। एक तो 1300 स्क्वायर फीट का है जो टावर HIJ के अंदर है और एक 1600 स्क्वायर फीट का है जो टावर A के अंदर है। तो पूरी ही सोसाइटी लगभग रेडी टू मूव इन हो चुकी है, बहुत ही शानदार इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं और गौर की लगभग बहुत शानदार सोसाइटी है ये, अब तक की मैं कहूँगा जो वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का इसमें बहुत ध्यान रखा गया है और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है ये और एक्सीलेंट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ ही। ये जो टोटल एरिया है ये 8 एकड़ का एरिया है। इसमें जो टावर्स बनाए गए हैं वो ग्राउंड प्लस 20 के टावर्स हैं, लगभग 1050 यूनिट हैं इसके अंदर और पूरी ही सोसाइटी CCTV कैमरे से मॉनिटर्ड है। हाई स्पीड लिफ्ट्स लगी हुई हैं इसके अंदर। अच्छी बात यह है कि हर टावर के अंदर एक सर्विस लिफ्ट है, सर्विस लिफ्ट्स के अलावा 2 लिफ्ट एक्स्ट्रा लगी हुई हैं आपको, तो टोटल 3 लिफ्ट हैं, 24/7 ऑपरेशनल रहती हैं। बहुत ही, जैसे मैंने बताया, आज की डेट में बहुत ही शानदार सोसाइटी है। साथ ही मैं छोटी छोटी इसकी खूबियों के बारे में आपको बताता चलूँगा। इसमें PNG की गैस लगी हुई है, PNG कनेक्शंस हैं, सभी जिस फ्लैट में मतलब जिसने अपना मर्जी से लगवाया हुआ है उसके PNG गैस हैं। विजिटर्स पार्किंग है इसके अंदर और दो बेसमेंट और सेकंड बेसमेंट, अंडर बेसमेंट, दो लेवल 1 लेवल 2 पार्किंग है। पावर सप्लाई 24/7 है और इंटरकॉम फैसिलिटी है, RO वाटर सिस्टम है, सभी फ्लैट्स में बिल्डर द्वारा प्रोवाइड किया गया। बैंकेट हॉल है, गेस्ट रूम है, क्लब एरिया है, बहुत बढ़िया सोसाइटी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और
कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसमें बहुत ही शानदार है। सारी कंक्रीट बेस्ड कंस्ट्रक्शन है, ईंटों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। मैं भी जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये पब्लिकली डोमेन, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन में। तो किसी भी जो सटीक जानकारी के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन, ऑथराइज डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। किड्स प्ले एरिया है, इसमें टेनिस कोर्ट है और बहुत अच्छी सोशल एमिनिटीज़ हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया कुछ खासियतों के बारे में गौरतलम की। इसके बाद मैं आपको सेंट्रल पार्क में ले चलता हूँ। ये हम सेंट्रल पार्क का व्यू है आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बैंक फाइनेंस के बारे में भी बता देता हूँ। तो सभी बैंक इसके अंदर फंडिंग करते हैं और कुछ बैंक इसमें 80 से 90% के बीच में भी फाइनेंस करते हैं। सभी गवर्नमेंट बैंक्स इसमें फाइनेंस करते हैं। ये सेंट्रल पार्क का व्यू आपको हम थोड़ा वॉक करके दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए। तो जैसा मैंने बताया, सरकारी और गैर सरकारी और प्राइवेट सभी बैंक इसमें फाइनेंस करते हैं। हम देख रहे हैं किड्स प्ले एरिया, तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। तो ये आप देखते रहिए, हम आपको बाकी की जानकारी देते रहेंगे। बैंक फाइनेंस में लगभग सभी बैंक फाइनेंस करते हैं जैसा मैंने आपको बताया। इसके साथ ही हम आपको इसके, आज हम बात करें तो जुलाई 2020 है और आज की डेट में जो मार्केट प्राइस है गौरतुल्यम का, वो लगभग 3600 से लेके 3800 रुपये पर स्क्वायर फिट का है। ये रीसेल प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ और ये वेरी करता रहता है कि यूनिट्स किस फ्लोर के ऊपर हैं, ये यूनिट्स जो हैं पार्क फेसिंग है, नॉन पार्क फेसिंग है, सन फेसिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में और बायर और सेलर की अपनी नीड्स के बारे में भी प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। बट जो सेक्टर का प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया लगभग इसमें। फ्यूचर में क्या होगा वो डिपेंड करता है कि प्राइस कैसे जाएगा, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन रहने के हिसाब से बहुत ही शानदार सोसाइटी है और जेंट्री बहुत बढ़िया है इसमें, रेडी टू मूव इन है और एक लग्जरी फीलिंग देती है आपको। लग्जरी फ्लैट्स नहीं बनाए गए थे लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज की डेट में गौरतुल्यम एक लग्जरी सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। बहुत ही शानदार इसके अंदर रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बाद जब मैं रीसेल प्राइस पे आपको बता रहा था, तो रीसेल प्राइस लगभग मैंने आपको बता दिया है 3600, 3800 के लगभग इसका रीसेल प्राइस है। और अगर आप रीसेल में कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमारे YouTube के ऊपर दिए गए नंबरों पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपकी बिल्कुल इसमें आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे और बेस्ट यूनिट्स के साथ आपको हेल्प करेंगे। तो अभी तक हम घूम रहे हैं सेंट्रल पार्क के अंदर और अभी हम आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ फ्लैट के अंदर। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं एक 2 BHK, 2 टॉयलेट, 1040 का एक एक्चुअल फ्लैट है। और इस फ्लैट के अंदर अभी अभी पोजेशन मिला है और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। दरवाजों के अंदर जो नॉब्स यूज़ किए गए हैं, सिंक बाथरूम के अंदर जो फिक्सिंग्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। गीजर के लिए प्रोविज़न दिया गया है, एग्जॉस्ट के लिए प्रोविज़न दिया गया है, फॉल सीलिंग है दोनों बाथरूम्स जो 2 BHK 2 टॉयलेट में हैं। जो हैंड वॉश का जो इन्होंने वॉश बेसिन दिया है लाजवाब है। जो फ्लोरिंग है वो बहुत ही बढ़िया फ्लोरिंग दी हुई है और जो बिजली की फिटिंग की गई है उसमें जो सामान यूज़ किया गया है और जो किचन है, किचन का स्लैब का ग्रेनाइट और प्लस उसमें जो नीचे की तरफ का वुड वर्क करके दिया है वो शानदार है। तो जिस हिसाब से ये फ्लैट्स लॉन्च हुए थे और फ्लैट्स लॉन्च होने के बाद जो इनका प्राइस था और उसके हिसाब से जो मटेरियल लगाया गया है, मैं कहूँगा कि इस बजट में और ये शानदार फ्लैट, लग्जरी फ्लैट जिन लोगों ने भी बुक किया था वो लोग लकी हैं। और ये रहने के लिए कहा कि ग्रेटर नोएडा के हिसाब से बहुत ही शानदार सोसाइटी है। इसमें एक तरफ व्यू बहुत ही शानदार व्यू है,
पूरे विला हैं सामने, कोई अड़चन नहीं है, छोटे विला हैं तो 4 मंजिल तक, तो ऊपर सारा खुला हुआ है, सीधी धूप एक तरफ, टावर सी है, टावर बी है, आप देख रहे हैं इस तरफ नीचे जो ये फ्लैट्स, अथॉरिटी के फ्लैट्स बने हुए हैं, तो इस तरफ पूरी धूप आती है इस के अंदर। बड़ी बड़ी बालकनीज हैं, ये खास बात है गौरतुल्यम के सभी फ्लैट्स में, अच्छी चौड़ी बालकनी दी गई हैं। एसी के लिए हर एक बेडरूम में अलग से प्रोविज़न होल करके बिल्डर ने दिया है अलग से, ताकि आपको कोई इसमें कटिंग वगैरह ना करनी पड़े। और बेडरूम के अंदर, दोनों ही बेडरूम के अंदर टाइल्स है, प्रॉपर है, टाइल्स है, वेंटिलाइजेशन की पूरी सुविधा है, पेंट अच्छा करके दिया है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको गौरतुल्यम के अंदर दिए गए हैं फ्लैट्स के अंदर। और इसके साथ ही जो टाइल का वर्क है, वुड वर्क है, वो लिमिटेड है, पूरा सारा कंप्लीट वुड वर्क तो इसमें नहीं करके दिया है, कुछ लिमिटेड वुड वर्क करके दिया है। लॉबी इनकी बहुत शानदार हैं, सभी टावर्स में काफ़ी ओपन और वाइड लॉबी दी गई हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे जो 2 BHK था, अभी हम एक और 2 BHK के अंदर आपको लेके चल पड़े हैं, दिखा रहे हैं। इसमें भी लगभग सिमिलर ही वो है स्पेस वगैरह। तो इसके साथ ही मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर ग्रेटर नोएडा का ओमिक्रॉन 1A है, और ये जो प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, बराबर में हमारी ग्रीन बेल्ट है, और ग्रीन बेल्ट के साथ ही कनेक्टिविटी का मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही नॉन पॉल्यूटेड सेक्टर है, और चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसमें पेड़ लगे हुए हैं। बाहर की तरफ इसमें जब आते हैं गौरतुल्यम के तरफ, तो हमारा पीछे की तरफ सुपर टैक्स सीजार सोसाइटी है, तो ये सब हमारी गौरतुल्यम की इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपको दी है। तो इसी के साथ ही मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।